हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विष्णु हमारा शत्रु है और जो उसकी तपस्या करता है वो हम असुरों का परम शत्रु है। परम शत्रु है। महाराज, सुना है वो साध्वी बड़ी मायावी है और हमारे परम शत्रु विष्णु का जाप करके और भी बल प्राप्त करेगी। हम अपनी शत्रु को बल प्राप्त करने नहीं देंगे। महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे शंका है ये राजकुमारी कहीं वो राजकुमारी ना हो जिसने असुरेश्वर भैरों को जल के तल में बंदी बना रखा है। महाराज, प्रधानमंत्री, कहीं तुम्हारा अर्थ राजकुमारी वैष्णो से तो नहीं है? हाँ महाराज, हाँ, हो ना हो ये राजकुमारी वैष्णवी ही है। नमः ओम विष्णवे नमः। हे माता वैष्णवी, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही काली हो, तुम ही गौरी हो, तुम ही ने महिषासुर का वध किया था, तुम ही ने पापी असुरों शुंभ निशुंभ का वध करके देवताओं की रक्षा की थी, और हे देवी वैष्णवी, तुम ही ने अपने इस अवतार में मानव जाति को पापी असुरों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। हे देवी माता, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हमें अपनी शरण में ले लो। बोलो माता वैष्णवी की जय। 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 कल्याण मस्तु। विराजमान हुई है। माता वैष्णो के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। उनकी कृपा के दान पान से निरंतर वर्षा होती थी। सूर्य देव का दिव्य कमंडलू याचकों की इच्छा पूर्ति का वरदान देते देते थकता नहीं था। बस मातेश्वरी, बस। कमंडलू का सारा भोजन मेरे आगे ही डाल देंगी तो दूसरों को क्या परोसेंगी? संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है, पेट भर के भोजन कीजिए। ईश्वर की कृपा से सबको भोजन मिलेगा। तू वैष्णो देवी की महिमा गरिमा का कोई भी ज्ञान त्रिकूट पर्वत पर रहने वाले राक्षसों को नहीं था, जो अन्याय, अत्याचार और आतंक का नंगा नाच नाच रहे थे। ओम विष्णवे नमः। बस इतना ही? ये तो बस ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और परोसिए मातेश्वरी, 10 लोगों का भोजन मैं अकेले ही खा सकता हूँ। वत्स, पहले ये तो खा लो। लाइए परोसिए। ऐसे नहीं, ऐसे लीजिए। कमंडलू का भोजन समाप्त हो गया, थोड़ा और मिल जाता तो आत्मा तृप्त हो जाती। ठीक है।
इतने छोटे से कमंडलों में इतना सारा भोजन, ये तो असंभव है। जब ब्रह्मा जी के कमंडलों में गंगा समा सकती हैं, तो क्या माता वैष्णवी के कमंडलों में 200-400 लोगों का भोजन नहीं समा सकता? ये तो मैया की लीला है, ये तो माता की कृपा है। ये मेरी नहीं, परमेश्वर की कृपा है। हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया। आप सचमुच महान हैं, आपकी कृपा अनंत है। केवल आपका दिव्य पर रखने के लिए ये सब कर रहा था। यहाँ आकर आपकी लीला देखी, आपके दर्शन किए और धन्य हो गया। माता वैष्णवी की जय! माता वैष्णवी की जय! असुरराज, 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 असुरराज! हमारे परम शत्रु विष्णु का जाप हमारे ही निकट सुबह शाम हो रहा है। जाप कर रहा है? कौन है? किसने दुस्साहस किया? एक मामूली सी साध्वी। क्या कहा? एक साध्वी पूजा कर रही है, विष्णु की निरंतर और लंबी तपस्या कर रही है। हाँ असुरराज, विष्णु हमारा शत्रु है और जो उसकी तपस्या करता है वो हम असुरों का परम शत्रु है। परम शत्रु है। महाराज, सुना है वो साध्वी बड़ी मायावी है और हमारे परम शत्रु विष्णु का जाप करके और भी बल प्राप्त करेगी। हम अपनी शत्रु को बल प्राप्त करने नहीं देंगे। महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे शंका है ये राजकुमारी कहीं वो राजकुमारी ना हो जिसने असुरेश्वर भैरों को जल के तल में बंदी बना रखा है। महाराज, प्रधानमंत्री, कहीं तुम्हारा अर्थ राजकुमारी वैष्णो से तो नहीं है? हाँ महाराज, हाँ, हो ना हो ये राजकुमारी वैष्णवी ही है। मुझे इसके कारण समस्त असुर जाति संकट में दिखाई दे रही है। हाँ, तब तो समस्या और भी गंभीर है। महाराज, इससे पहले कि ये नागिन अपनी तपस्या के बल पर महासर्प का रूप धारण कर ले, हमें तुरंत ही इसके विष का तोड़ निकालना होगा। ये केवल हमारी नहीं समस्त असुर जाति की सुरक्षा का विषय है, इसलिए तुम प्रमुख सभी असुरों को जाकर वैष्णवी के संकट से अवगत कराओ। जो आज्ञा। और फिर हम सब मिलकर उस साध्वी की तपस्या को भंग कर देंगे। कर अपना जाप। हे मायाविनी, माया दिखा रही है तू हमें। आक्रमण, आक्रमण! Yeah!
माताश्री भैरव प्रणाम। माताश्री पुत्र भैरव। देखिए माताश्री, आपका पुत्र पहले जैसा ही कुशल और सुरक्षित है। मैं वैष्णवी की माया से मुक्त होकर आ गया हूँ। देवी माँ से मेरी ये प्रार्थना थी, जिसके प्रभाव के अंतर्गत तुम बंधनों से मुक्त हो गए हो। देवी माता ने मेरी प्रार्थना सुनकर तुम्हें मुक्ति दी है। अब तुम्हें देवी माता का धन्यवाद करना चाहिए पुत्र। किस देवी का माताश्री? माता महालक्ष्मी का, जिसका एक स्वरूप देवी वैष्णवी है। वैष्णवी को आप देवी कह रही हैं? माताश्री, लगता है आप भी वैष्णव की माया से भ्रमित हो गई है। मैं भ्रमित नहीं हुई हूँ पुत्र, बल्कि झूठे भ्रम का पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा है। इसीलिए तुम माता महालक्ष्मी की जीती जागती लीला और देवी वैष्णवी के सत्य को भी नकार रहे हो। माताश्री, एक तुच्छ निर्बल स्त्री को मुझ जैसा बलवान भला शक्तिमान कैसे मान सकता है? निर्बल स्त्री तो मैं भी हूँ, फिर मुझे क्यों मान देते हो? आप मेरी माता हैं, आपने मुझ जैसे बलिष्ठ पुत्र को जन्म दिया है। और देवी वैष्णो जगत माता का रूप है। ये झूठ है। ये झूठ होता तो तुम्हारी शक्ति देवी वैष्णो के सामने छीड़ कैसे हो जाती? तुम्हारी सारी सेना पानी में तिनकों की भांति कैसे बह जाती? तुम कहते हो कि तुम देवी वैष्णो की माया के प्रभाव से मुक्त होकर आ गए हो, फिर माया नष्ट होने पर तुम्हारी भांति तुम्हारी सेना लौटकर क्यों नहीं आई? सच तो यह है पुत्र कि वैष्णवी माता ने तुम्हें अपना प्रकोप दिखाया था और मुझे अपनी कृपा दिखाई है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके तुम्हें मुक्त कर दिया है। जगत माता ने एक साधारण माता की ममता की लाज रखते हुए तुम्हें धर्म के मार्ग पर आने का एक अंतिम अवसर दिया है। इस अवसर को अपने घमंड के कारण अपने हाथ से मत जाने दो पुत्र, मत जाने दो। मेरे हाथों से बच तो निकली है वो, परंतु अब मैं उसे बचकर जाने नहीं दूंगा। वो जहां भी हो उसे मैं ढूंढ कर निकालूंगा, और जब तक उसे मैं अपने वश में नहीं कर लूंगा
तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी शक्ति के भ्रम में बड़े बड़े असुरों ने मिलकर देवी वैष्णवी की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया था, परंतु वो सफल नहीं हो सके। देवी वैष्णवी से टकराने की जिस किसी ने भी भूल की, वो नष्ट भ्रष्ट होकर रह गया। मुझको भ्रष्ट करने की शक्ति यदि वैष्णवी में होती तो यू डर कर मुझसे दूर नहीं भागती। माताश्री, आपको अनुमान नहीं है, परंतु मैं भली भांति जानता हूं कि वो मेरी शक्ति से भयभीत है। मेरे ही भय से उसने राजपाट त्याग दिया था और मुझसे दूर भाग गई है, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं थी। मूर्ख है वैष्णव जो मेरे प्रेम से भयभीत है। उसने मुझे माया की जंजीरों से बांध रखा था, अब मैं उसे विवाह की जंजीरों में बांध कर रखूंगा। ये हट छोड़ दो पुत्र, छोड़ दो। नहीं माताश्री, ये नहीं हो सकता। मैंने पहले भी आपको वचन दिया था कि मैं वैष्णव को आपकी बहू बनाकर ले आऊंगा, परंतु अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि या तो वैष्णव को आपकी बहू बनाकर आपके चरणों में डाल दूंगा, या फिर अपना मुंह कभी आपको नहीं दिखाऊंगा। प्रणाम माताश्री। हे जगत माता, हे देवी वैष्णवी, भैरव ने अपनी मां के चरण छुए और वो आपकी ओर आ रहा है। क्या आप उसकी इस भूल को क्षमा करके अपने चरणों में स्थान नहीं देंगी? मां नहीं देंगी।